Now, good morning, dear students. I am the class teacher of Mrs. Anamika Deepnath. Today, we are going to learn subject maths. This is chapter 2, time and money. This is for class 1. Okay, this is get, set, go. First question is tick in the correct columns. Humko tick karna hai correct columns mein. This is activity. First activity is going to school. Second activity is watering plants. Third activity is having dinner. Fourth activity is seeing stars in the sky. And fifth activity is having lunch. Okay. Morning, afternoon, night. Subah, dopahar, night. Hum pure din mein kya kya karte hain? To morning se leke night tak. Okay. First is morning. Going to school in the morning. To tick karenge morning mein. Watering plants in the morning. तो मॉर्निंग में टिक करेंगे. पौधे में हम पानी कब डालते हैं? मॉर्निंग में. और स्कूल कब जाते हैं? मॉर्निंग में. रात को तो नहीं जा सकते. ओके. हैविंग डिनर, हम रात का जो खाना होता है वो कब लेते हैं? नाइट में. तो नाइट में टिक करेंगे. सीइंग स्टार्स इन द स्काई, हम तारे कब देखते हैं? आसमान में. रात को, दिन में तो नहीं दिखती, तो नाइट में टिक करेंगे. ओके. नाउ हैविंग लंच, दोपहर का जो खाना होता है हम कब लेते हैं? आफ्टरनून में. दोपहर में तो मींस आफ्टरनून. टिक इन द आफ्टरनून. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रीडिंग टाइम. दिस इज वॉच. अब वॉच देखना हम सीखेंगे. घड़ी कैसे देखते हैं? तो घड़ी देखने के लिए सबसे पहले हम 5 की टेबल रीड करेंगे. 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 थ्री ज़ा 15, 5 फोर ज़ा 20, 5 फाइव ज़ा 25, 5 सिक्स ज़ा 30, 5 सेवन ज़ा 35, 5 एट ज़ा 40, 5 नाइन ज़ा 45, 5 टेन ज़ा 50, फिर 55, 60. ओके. तो अभी आप सिर्फ घड़ी में क्या क्या कौन कौन से हैंड्स होते हैं, लॉन्ग, शॉर्ट, फेस, आर, मिनट, ये पढ़ेंगे. ओके. तो फर्स्ट पहले मैं रीड करूँगी, देन आफ्टर मी यू. आई एम अ क्लॉक, आई टेल द टाइम. आई एम अ क्लॉक, आई टेल द टाइम. मैं घड़ी हूँ, मैं टाइम बताता हूँ. द नंबर्स 1 to 12 आर रिटन ऑन मी. मेरी घड़ी में देखो 1 to 12 तक क्या लिखा हुआ है? नंबर्स. द नंबर्स 1 to 12 आर रिटन ऑन मी. आई हैव टू हैंड्स, मेरे पास दो हाथ हैं, शॉर्ट लॉन्ग, छोटी बड़ी. वो क्या क्या बताता है? तो लॉन्ग हैंड इज द मिनट हैंड. लॉन्ग हैंड क्या बताता है? मिनट हैंड. ओके. द शॉर्ट हैंड इज द आर हैंड. शॉर्ट हैंड क्या बताता है? घंटा. आर हैंड, तो दिस इज मिनट हैंड, लॉन्ग हैंड, दिस इज शॉर्ट हैंड, आर हैंड. नेक्स्ट, द आर हैंड मूव्स फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट इन वन आर. ओके. आर हैंड क्या करता है? कब मूव करता है? एक घंटे बाद बाद. द मिनट हैंड कंप्लीट्स वन राउंड इन वन आर. और मिनट हैंड क्या करता है? जब एक राउंड पूरा कंप्लीट होता है एक घंटे के लिए, वो तब तक वो राउंड लेता रहता है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज इफ. यदि इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स एट 12 एंड द आर हैंड्स पॉइंट एट 4. अगर मिनट हैंड 12 पे होगा और आर हैंड 4 पे होगा, तो व्हाट इज द टाइम? मींस कितने बजेंगे? 4 o'clock. नाउ डियर स्टूडेंट, दिस इज क्लॉक. ये क्या है? घड़ी है. तो यहाँ देखो, शॉर्ट हैंड 4 पे है एंड लॉन्ग हैंड 12 पे. दिस इज मिनट हैंड, दिस इज आर हैंड. तो व्हाट इज द टाइम? 4. नाउ डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द टाइम? 4 o'clock. ओके. नेक्स्ट इज The clocks show what Mala does at different times of the day. Write the time in two ways. Mala different times में, अलग अलग times में क्या क्या करती है? Okay. और two ways में इसको लिखना है. तो gets up, Mala कब उठती है? Get up 6 o'clock. देखो, this is short hand and this one is long hand. तो short hand कहाँ पे है? 6 पे. And this is long hand means 12 पे. किस पॉइंट को डिफाइन कर रही है? 12. एंड दिस वन इज 6. तो व्हाट इज द टाइम? 6 o'clock. तो 6 o'clock को टू वेज में कैसे लिखते हैं? 6 o'clock मीन्स 6 2 dot देन 0 0, दैट इज 6 o'clock. टू टाइप्स में हम लिख सकते हैं. नेक्स्ट, गोज टू स्कूल, माना स्कूल कब जाती है? 7 o'clock. दिस इज शॉर्ट हैंड एंड दिस इज लॉन्ग हैंड मीन्स 7 o'clock. 7 o'clock, 7 o'clock. नेक्स्ट, रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, माला स्कूल से रिटर्न कब आती है? 2 o'clock मीन्स दिस इज शॉर्ट हैंड मीन्स 2 एंड दिस इज लॉन्ग हैंड मीन्स 12. 2 o'clock.
2 o'clock, 2 dot, then 0 0, that means 2 o'clock. Next, goes to play, Malas khelne kab jati hai, 4 o'clock, means this is short hand in 4 and this long hand in 12, this is, that means 4 o'clock, Mala play kab karne jati hai, at 4 o'clock. Okay, next, finishes her studies, Mala apna padhai ka finish karti hai, 8 o'clock, means this is 8 and this is 12, short hand in 8 and long hand in 12, means 8 o'clock, Mala apna homework kab complete karti hai, 8 o'clock, at 8 o'clock. Okay, next is goes to bed, Mala sone kab jati hai, Mala soti kab hai, 9 o'clock, okay, short hand in 9 and long hand in 12, means 9 o'clock, goes to bed at 9 o'clock. Next is draw the hour hand on each clock to show the time. Remember, the hour hand is shorter than that the minute hand. I repeat once again, draw the hour hand, aapko hour hand draw karna, means short hand on each clock, sabhi clock mein, show the time. Remember, the hour hand is shorter than the minute hand. Aur yaad rakhiyega ki hamesha jo long hand hota hai wo short hand se lamba hota hai, aur jo short hand hota hai wo long hand se hamesha chota hota hai. To means hour hand hamesha chota and long hand hamesha bada, means minute hand badi and hour hand is short, minute hand is long. ओके, तो फर्स्ट हमको क्या इसमें करना है कि हम शॉर्ट हैंड आपको ड्रॉ करनी है जो आर हैंड बताता है. तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 8 o'clock, तो 8 o'clock में के लिए हम 8 पे शॉर्ट हैंड बनाएंगे, तो ड्रॉ करेंगे, एरो बनाएंगे. नेक्स्ट 10 o'clock, शॉर्ट हैंड बनाएंगे 10 पे. देन 6 o'clock, शॉर्ट हैंड इन 6, ओके, यू हैव टू ड्रॉ short hand in 6 and you have to draw short hand in 2, means 2 o'clock. You have to draw short hand in 4, means 4 o'clock. Then this is 3, you have to draw in 3, short hand 3 o'clock. You have to draw short hand in 7, means 7 o'clock. You have to draw in 5, short hand, means 5 o'clock. Okay, understand all of you? Okay, hope you all are understand. Next is draw the hands of the clock to show the time given in the boxes. जो time दी हुई है उसके हिसाब से आपको draw करना है. Means short hand you have to draw and long hand also you have to draw. Means hour hand and minute hand. आपको time दिया है, आपको सिर्फ put करना है. Okay. तो first is given, means short hand in 9 and long hand in 12, means 9 o'clock. Then after, second is 1 o'clock. Means 1 o'clock means you have to draw short hand in 1 and long hand in 12, means 1 o'clock. Next is third one, 7 o'clock, means you have to draw short hand in 7 and long hand in 12, means 7 o'clock. Next, 12 o'clock, means you have to draw short hand and long hand both in 12. That means 12 o'clock, short hand and long hand both in 12 you have to draw, means 12 o'clock. Okay, next 10 o'clock, you have to draw short hand in 10 and long hand in 12, means 10 o'clock. Means next is 8 o'clock, you have to draw short hand in 8 and long hand in 12, that means 8 o'clock. Next, you have to draw 11 o'clock, means you have to draw short hand in 11 and long hand in 12, that means 11 o'clock. Next is you have to draw 6 o'clock, you have to draw short hand in 6 and long hand in 12, that means 6 o'clock. Okay, now dear students, this is 9 o'clock, means short hand in 9 and long hand in 12, that is 9 o'clock. Now next is you have to move short hand in 8 and you have to move long hand in 12, that is 8 o'clock. Okay, now dear students, next is you have to move short hand in 10 and you have to move long hand in 12, that is 10 o'clock. Now next is you have to move short hand in 2 and you have to move long hand in 12, that is 2 o'clock. Next,
डेज ऑफ द वीक, सप्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन. तो हाउ मेनी डेज इन अ वीक? 7 डेज. ओके, 7 दिन होते हैं, तो मीन्स देयर आर 7 डेज इन अ वीक. हफ्ते में 7 दिन होते हैं. टुडे इज संडे. सपोज आज संडे है, टोनी गॉट अप एट 8 o'clock टुडे. ओके, ही विल नॉट गो टू स्कूल, ही विल प्ले विथ हिज डे ट्रेन. ओके, टोनी कब उठा? मॉर्निंग में. कितने बजे? 8 बजे. ही विल नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया, लेट से उठा. ही विल प्ले विथ हिज डे ट्रेन, वो किससे खेला? ट्रेन. डेज ऑफ द वीक जो होता है उस ट्रेन से खेला, डे ट्रेन से. तो फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे, सेकेंड डे ऑफ द वीक इज ट्यूजडे, थर्ड डे ऑफ द वीक इज वेंसडे, फोर्थ डे ऑफ द वीक इज थर्सडे, फिफ्थ डे ऑफ द वीक इज फ्राइडे, सिक्स डे ऑफ द वीक इज सैटरडे एंड लास्ट डे ऑफ द वीक इज संडे. ओके, हाउ टू प्रोनाउंस मंडे, ट्वेल्सडे? वेडनेसडे नहीं बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड वेंसडे, दैट इज कॉल्ड थर्सडे, दैट इज कॉल्ड फ्राइडे, दैट इज कॉल्ड सैटरडे, नॉट सटरडे. ओके, दिस इज कॉल्ड सैटरडे एंड दिस इज कॉल्ड संडे. फर्स्ट डे मंडे, सेकेंड डे ट्यूजडे, थर्ड डे वेंसडे, फोर्थ डे थर्सडे, फिफ्थ डे फ्राइडे, सिक्स डे सैटरडे एंड लास्ट डे इज संडे, मीन्स 7th. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. मंडे फर्स्ट डे ऑफ द वीक होता है एंड संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक. ओके, संडे क्या होता है? लास्ट डे ऑफ द वीक का. तो राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग डेज ऑफ द वीक, हमको लिखना है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे के हिसाब से. तो फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे, MONDAY, मंडे. आई रिपीट वंस अगेन, MONDAY, मंडे. नेक्स्ट सेकेंड डे, TUESDAY, ट्यूजडे. सेकेंड डे ऑफ द वीक इज TUESDAY, ट्यूजडे. थर्ड डे ऑफ द वीक इज वेंसडे, WEDNESDAY, वेंसडे, WEDNESDAY, वेंसडे. फोर्थ डे ऑफ द वीक, फोर्थ डे क्या होता है? चौथा दिन, थर्सडे, TURSDAY, थर्सडे, TURSDAY, थर्सडे. नाउ फिफ्थ डे ऑफ द वीक, फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे. नाउ सिक्स्थ डे ऑफ द वीक, सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे ऑफ सिक्स्थ डे ऑफ द वीक. नाउ सेवेंथ डे ऑफ द वीक, संडे, SUNDAY, मीन्स लास्ट डे ऑफ द वीक इज सेवेंथ डे, SUNDAY, संडे. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.